ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स आपका प्रोग्राम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इसमें तो मैंने कई सारे मेथड्स आपको बताए ट्रैफिक फोरकास्टिंग के, लेकिन जो आपके बुक्स में दिए गए हैं उसमें पहला जो मेथड दिया गया है वो मैकेनिकल मेथड दिया गया है। तो मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग क्या है? तो मैकेनिकल मेथड फॉर ट्रैफिक फोरकास्टिंग रियली ऑन एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स। जो मैकेनिकल मेथड्स हैं इसमें जनरली क्या करते हैं कि जो हिस्टोरिकल ट्रैफिक डाटा यानी जो पहले से जो डाटा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे फ्यूचर के ट्रैफिक पैटर्न्स को क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी संभावनाएं ली जाती, मतलब एक एक्सपेक्टेशंस किया जाता है कि उम्मीद किया जाता है कि आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें जो है हमारी होगी, या इतना ट्रैफिक पॉपुलेशन या ट्रैफिक जैम कंडीशन, इस तरीके की चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मॉडल्स। ये मैथमेटिकल और स्टैटिकल मॉडल्स के अप्रोच के जो है यूज करता है एंड टू मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स। जो भी पहले जिस पैटर्न से बढ़ रहे थे ट्रैफिक फ्लो कंडीशन, उसके बेसिस पे जो है स्टैटिक और मैथमेटिकल दोनों मॉडल का यूज करके जो है प्रिडिक्ट किया जाता है। वन कॉमन मैकेनिकल मेथड्स फॉर ट्रैफिक फोरकास्टिंग जो है वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया। ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हिस्टोरिकल ट्रैफिक, जो भी डाटा प्रेजेंट था ओवर द टाइम उसके बेसिस पे हम लोग जो है आने वाले समय में कैसा पैटर्न्स होगा उसको चेक किया जाता है। इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड्स और भी कई सारे पैरामीटर्स को जो है इंक्लूड किया जाता है। वंस दीज पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड, जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हिस्ट्री में कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा था, है ना, कितना वॉल्यूम थे और है ना कब जो है जाम का कंडीशन देखने को मिलता था, किस टाइम में जो है पीक डिमांड रहता, मतलब ज़्यादा कंजेशंस होते थे ट्रैफिक का, तो इन सभी को जो है जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो पैटर्न्स को, तो उसी के बेसिस पे एक स्टैटिकल मॉडल जो है तैयार किया जाता है, और स्टैटिकल मॉडल की मदद से ही जो है फ्यूचर का जो पैटर्न्स था वो क्या करते हैं, बना पाते हैं। अनदर जो मैकेनिकल मेथड्स है ट्रैफिक फोरकास्टिंग का वो है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये जो है मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग है। इसमें जो है हम लोग रिलेशंस जो है डेवलप करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम और पॉपुलेशन डेंसिटी, एम्प्लॉयमेंट, लैंड यूज और भी कई सारे चीज़ों का जो है एक रिलेशन जो है आइडेंटिफाई करते हैं, और उन रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जो है स्टैटिकल मॉडल का यूज करते हुए जो फ्यूचर का जो ट्रैफिक पैटर्न्स हैं या जो ट्रैफिक वॉल्यूम्स है उसको जो है उसमें कैलकुलेशंस करते हैं और एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि इस तरीके का हो सकता है। तो ओवरऑल मैकेनिकल जो मेथड्स हैं ट्रैफिक फोरकास्टिंग का वो यूज़फुल है टू प्रिडिक्टिंग ट्रैफिक पैटर्न्स इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए ही जो है मैकेनिकल मेथड्स के यूज करके जो है ट्रैफिक फोरकास्टिंग किया जाता है, एंड इट कैन हेल्प ट्रांसपोर्टेशन प्लानर और इंजीनियर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, है ना, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है ले सके अबाउट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए, उस पर एक थिंकिंग, एक डिसीजन वो ले सकता है। However, these methods may be less effective in predicting long-term trends. अगर long-term के लिए अगर आपको manage करना है तो ये methods जो है उतना suitable नहीं होता है जो mechanical methods होते हैं। Mechanical method में मैंने क्या क्या बताया, एक time series मैंने बताया, है ना, आपको क्या क्या मैंने बताया बताओ, आइडिया लगाओ क्या क्या मैंने बताया। एक मैंने बताया टाइम सीरीज एनालिसिस और दूसरा बताया मैंने रिग्रेशन एनालिसिस। ये दोनों मेथड्स क्या हैं, मैकेनिकल मेथड्स का ही जो है टाइप है, या मैकेनिकल मेथड्स के अंदर ही जो है ये आते हैं, ओके। और इसमें डिस्क्रिप्शंस सच एज मेजर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और शिफ्टिंग डेमोग्राफी, ये जो है एक मेजर प्रॉब्लम जो है हमारा आ जाता है।
बाकी और भी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, बट आज के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप चैट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।